बहुत मारा मेरे को। हे गाइस, आज थोड़ा एक खास मकसद से हम घर से बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, कोरोना को हराने की जो लड़ाई की शुरुआत हुई है ना, आज हम भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो आज हम अपना पहला डोज लेने जा रहे हैं और आरजीएच जाने वाले हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या हुआ है, जैसे ही आरजीएच वालों को पता चला कि मैं आ रहा हूँ, एक यूट्यूबर आ रहा है, तो उन लोगों ने मुझे एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया और बोला कि मेरे जाने के बाद ही वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो भाई मुझे लाइन में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला डोज मुझे लगेगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सो गाइस, फाइनली हम आरजीएच पहुंच गए हैं। आई होप मेरा इंतजार कर रहे होंगे सर। लेट्स सी मेरा स्वागत कैसे किया जाता है। तो ये रहा रौरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेन गेट, पर हमें राइट साइड में जाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का जो कैंप है वो अलग ही जगह पे रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर गाइस, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैं तो हक्का बक्का रह गया। मेरे बगैर ही इन लोगों ने वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। अरे बहन, ये कैमरा पकड़, मैं पूछ के आता हूँ, देखता हूँ ऐसा कैसे लोग कर सकते हैं मेरे साथ धोखा। A few moments later. अरे भाई क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? अरे कुछ मत पूछ, चुपचाप लाइन पे खड़ा हो जा, चल घर जाके बताता सब। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, ये आरजीएच वालों ने व्यवस्था बहुत अच्छा बनाया था। सबके लिए चेयर डाला था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, धूप से बचने के लिए बड़े बड़े टेंट्स लगाए थे। हैट्स ऑफ टू आरजीएच। और ये लाइन देख रहे हो, ऐसा फील हो रहा है जैसे हम मंदिर में भगवान जी का दर्शन करने जा रहे हैं। मुझे मेरे पूरी की ट्रिप याद आ गई, जब हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए ऐसे लाइन पे लगे थे। वैसे कोविशील्ड किसी भगवान से कम नहीं है फिलहाल, अपनी जान बचाने के लिए सब इधर आए हुए हैं। ये रहा वैक्सीनेशन सेंटर का रास्ता, हमें राइट साइड में घुसना है। और पता है यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक मिल रहा है, ग्लूकोज। मेरी बहन तो वो ग्लूकोज पीने के लिए इधर आ गई है, उसे वैक्सीनेशन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोरोना मेरे बहन के 5 फीट नज़दीक भी आ जाए ना, तो कोरोना को कोरोना हो जाए। फाइनली हम अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। फाइनली इंतज़ार का फल मीठा हुआ और हमने अपना इंजेक्शन ले लिया। इंजेक्शन लेने के बाद आपको मेंबर्स 10 मिनट वहाँ बैठने के लिए बोलेंगे। और बहन कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, ग्लूकोज बहुत ही टेस्टी था। अरे ग्लूकोज नहीं रहे, इंजेक्शन की बात कर रहा। तो गाइस चलो अभी डायरेक्ट घर निकलते हैं। भाई अब तो बता, तू जब अंदर गया था तो तेरे साथ क्या हुआ था? अरे क्या बताएं तुमको, तुम अपने भाई को प्राउड फील करोगे अगर हम बताएं क्या हुआ था। क्या हुआ था? जैसे ही मैं अंदर गया, हाँ बोला मैं यूट्यूबर हूँ, सब पहचान गए मुझे एक्चुअली सीडी डैश बोल के। फिर मैंने बोला हाँ यूट्यूबर हूँ, मुझे सबसे पहले टीका देना चाहिए। हाँ। तो उन लोगों ने भी बोला जी जरूर, पर सर देखिए ना, ये 18 साल के बुढ़े आए हैं, आप तो 30 साल के यंग नौजवान हैं, तो पहले इन बुढ़ों को दे देते हैं, आप तो खड़ा रह सकते हो लाइन में। हाँ। तो मैंने भी सोचा, मेरा भी दिल दरिया है, मैंने बोला ठीक है चलो हम लाइन पे खड़े रहते। ये सुनते ही सारे जो डॉक्टर नर्स थे खड़े होके सैल्यूट मारने लगे। सच्ची बता, सैल्यूट मार रहे थे कि और कुछ चल रहा था अंदर? क्या बताएं, फिर मैंने डिसाइड किया मैं लाइन में ही खड़ा रहूं, बेटर है। बहुत अच्छी खातिरदारी हुई मेरे उधर, बहुत अच्छी खातिरदारी हुई मेरी, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। सच्ची बता, मम्मी भी हंस रही है। सच्ची बता क्या हुआ? बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा। काहे काहे मारे रे तेरे को? उधर उधर मारा है जहाँ कोरोना भी नहीं घुस सकता। क्यों मारा भाई? लोग जब वैक्सीन डालने जाओ तो लाइन में खड़े रह के जाओ, ओवर स्मार्ट मत बनना कभी, नहीं तो पिटोगे।